गुड मॉर्निंग मिस्टर बंटी। अरे क्या बात है, उस दिन योगा करने आ गया, आज टीपी करने आ गया, चल क्या रहा है? यार एक्चुअली एक बात तुझे देखो बोलनी थी। बोल। यार उस दिन जब वो कमीने हिमांशु जिम मैनेजर ने उसे बदतमीजी की तब कम से कम स्टैंड तो लेना चाहिए था ना मुझे। देख टीवी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और रही बात हिमांशु की तो यार वो दिल का इतना भी बुरा नहीं है। एक और एक बात थी। अरे तू तो मूड में है आज, अब क्या हुआ? मेगा ठीक है? हाँ। तो यार एक बात थी जो बहुत टाइम से मैंने तुझसे छुपा के रखी है, पता नहीं कैसे बोलूं यार। बोल ना रे, क्या शर्मा रहा है तू? यार मुझे भी टीबी है। ओ यार ठीक है, कोई बात नहीं है, मतलब अपन ठीक हो जाएंगे रे शाम से, अपन तू टेंशन मत ले। एक्चुअली मुझे पहले भी टीबी था और अब वापस आ गया। वापस कैसे? मैंने दवाई लेना छोड़ दी थी यार। विक्की तू पागल है क्या यार, दवाई का कोर्स पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ मैंने अब जाके रियलाइज किया है। अरे यार मैंने एक्चुअली तेरे को देखा, तू कैसे डिसिप्लिन के साथ जैसे वर्कआउट करता है वैसे ही तूने प्लान करके एकदम फाइट किया ऐसे यार। चल वो सब ठीक है, लेकिन तू अभी तो दवाई ले रहा है ना टाइम पे? एकदम सीरियसली। हाँ वेरी गुड। उससे सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि तू मेरा कोच है, लाइफ कोच। ऑफ कोर्स तेरा कोच होने का ये तो फायदा हुआ कि तू मुझसे कुछ अच्छी बातें सीख रहा है। सुन इस बात की गुरु दक्षिणा लूंगा मैं। हाँ दूंगा ना, मैं दूंगा, पप्पी दूंगा ना तेरे को मैं। पप्पी चल बे। एक मिनट रुक, एक मिनट। हम अक्सर प्यार की बातें करते हैं, मगर क्या होता है ये प्यार? कुछ अनसुनी बातें, एक अनजाना सा अपनापन, किसी को खोने का डर, या फिर एक नए सिरे से शुरुआत की उम्मीद। ओ भाई साहब, चंदा कि क्लाइंट तो रिफंड मांग रहा है यार, कि कोई नया पार्टनर है। क्लाइंट को शांति चाहिए थी और बैकग्राउंड में बैंड म्यूजिक चल रहा था। तो एक बार मानव से बात कर लेना, सब क्लियर हो जाएगा। मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। अनुजा बोस। डू आई लुक लाइक अनुजा बोस टू यू? No, I mean, किसी अनुजा बोस ने बुकिंग की थी, so... Yeah, I know, I'm just kidding. Actually, अनुजा मेरी बोस है. I mean, बॉस है. Since यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ रूम बुक कर सकती है, तो she just helped me out. Yeah, come on in. Yeah. So, तुम सिंगल हो? Hmm? I mean, अकेले आए हो? ना, नहीं, मेरा पेट कोस्ट है ना साथ में. But वो दिख नहीं रहा, तो फिलहाल अकेला हूँ. Oh. Actually, I'm so sorry, last minute location shift करना पड़ा, वो कुछ internal issues थे और सारे मुझे ही solve करने पड़ते हैं, because I'm the founder, no? Oh, really? You're an entrepreneur? Interesting. अपना ID card दे दो और room is yours. Yeah. Oh, room का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा, that's a rule. Okay, no problem. This is your room. Be comfortable. All right. Thank you. Okay. कुछ चाहिए होगा तो बताया तो था, रूम का दरवाजा बंद नहीं कर सकते. Okay. But याद रखना है तुम्हारा ही आइडिया था. हाँ. ए, क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी वेबसाइट की पॉलिसी पे क्लियरली लिखा है कि पूरी प्राइवेसी मिलेगी, नो जजमेंट्स नो क्वेश्चंस, तो ये लो। पागल है यार, पैंट उतारने लगा। हाँ आस्था, आस्था यार फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं बिजी थी। घंटा बिजी थी तुम? उस पार्टनर की बुकिंग क्यों कैंसिल करवा दी? पता भी करने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी?
यार उसके बिल्डिंग से बारात जा रही थी इसलिए आवाज हो रही थी, ऐसे तो हर कस्टमर रिफंड मांग लेगा ना। चिल्लाओ मत, ओके मानव, तुम भी मुझसे बिना पूछे ही डिसीजन ले लेते हो। तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है? और इतना आने के बाद भी क्या उखाड़ लिया? मेरे साथ इस वेंचर में स्ट्रगल ही कर रहे हो ना। गाइस गाइस यहां पे रेस्ट करना है, इफ आई कांट गेट माय पीस आई नीड माय मनी बैक। व्हाट्स अप पीपल, एकदम मस्त ना? मस्त ही होंगे बिकॉज यू आर लिस्निंग टू निषेध विद मेघा। ऑब्वियसली मैं हूं मेघा, और क्या होता है व्हेन मेघा इज ऑन एयर? लव, लव इज इन द एयर। लेकिन इन रिलेशनशिप्स के ना अलग ही पंगे होते हैं, पता नहीं चलता कि कब हम या हमारा पार्टनर इनसिक्योर हो जाते हैं। लेकिन हम इनसिक्योर होते ही क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हाल ही में मुझे पता चला कि मेरे क्लोज फ्रेंड को एक हेल्थ इशू है, और मुझे उसके हाथों से केक खाते हुए झिझक महसूस हुई। क्या मैं इनसिक्योर थी? मैं अपने फ्रेंड को दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी हम इनसिक्योर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि शायद हम अपने पार्टनर को प्रूव करना चाहते हैं कि हम उनसे बेटर हैं। पर क्यों हर चीज हमारे लिए ईगो इशू क्यों बन जाता है? पार्टनर्स की कंप्लेन आ रही है कि उनके पास पेमेंट नहीं आई है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? एंड वैसे भी यू आर रिस्पांसिबल फॉर दिस राइट आस्था? हाँ, पर आईटी डिपार्टमेंट तो तेरा है ना, और पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आस्था, पेमेंट्स बैंक प्रोसेस करता है, मैं नहीं। कॉमन सेंस। एंड वैसे भी किसने बोला था लास्ट मोमेंट तक वेट करने के लिए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओके तू, दो लोगों के मेल आ चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि जब तक पेमेंट्स क्लियर नहीं होती वो नई बुकिंग्स नहीं लेने वाले, और हमें कल तक 12 बुकिंग्स रीशेड्यूल करनी है। Whose fault is that? अगर रीशेड्यूलिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, लेट मी जस्ट हैंडल इट, आई विल डू इट। हैंडल इट, प्लीज हैंडल इट, सिंस यू डिडंट डू इट बिफोर। ये लो, सारी बुकिंग्स मैंने अपने घर पे ले ली है, और सब तो अभी शिफ्ट नहीं हो सकता है, तो 3 बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ेगी। ये कैंसिल नहीं हो रहा है यार लक्ष्मी, तेरी सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। अब बोल, मेरी गलती है? सिस्टम काम कर रहा है, तू काम नहीं कर रही। ये सिस्टम ओनर को प्रेशर में आके बुकिंग कैंसिल करने से रोकता है। सिंपल डन। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू नो, हर कोई पैम नहीं बन सकता। इट्स ऑल राइट। अगर तुम दोनों को लगता है सारी मेरी गलती है ना, देन फाइन, आई एम डन। ये हो गया और तुम्हारा पेपर। डोंट टेल मी इट राइट नाउ। इट्स डन। तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी मुझे आज के बाद। हे, क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं, ये आपके ड्रॉअर से ली थी। कौन है ये?